तो हम बात कर रहे थे सूर्य और राहु की युति के बारे में, और इस वीडियो में बात करेंगे अगर सूर्य और राहु की युति आपके लग्न चार्ट में 11th हाउस में बन रही हो तो इसके आपके लिए क्या परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ में जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब अवश्य कर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहु और सूर्य की जो युति होती है इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या क्या हो सकता है, भले ही आपके किसी भी भाव में ये युति बन रही हो। देखिए, सबसे पहले सूर्य की बात करेंगे। सूर्य क्या दर्शाता है आपकी कुंडली में? आपकी आत्मा को दर्शाता है, आपके हार्ट को दर्शाता है, आपके पिता के साथ संबंध और आपके पिता को दर्शाता है, आपके पिता की स्थिति को दर्शाता है। इसके अलावा सूर्य सरकारी लाभ आपको मिलेगा या नहीं ये दर्शाता है, आपको अथॉरिटी मिलेगी या नहीं। सूर्य आपका ईगो भी है, सूर्य आपकी ओवरऑल एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी है, और आप जो पाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, जो आपका टारगेट है, वो सूर्य से रिप्रेजेंट होता है। क्योंकि सूर्य ही वो एनर्जी है जो आपको आगे बढ़ाता है, आपको एक्टिव बनाता है और आपको एक्टिवेट रखता है हर टाइम। तो सूर्य हमारा अगर देखा जाए तो अंदर का जो आत्मविश्वास है वो सूर्य से ही देखा जाता है। अब राहु के बारे में अगर बात करें तो राहु क्या दिखाता है? राहु देखिए पूरी तरह से भ्रम उत्पन्न करता है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उस ग्रह के पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो राहु का काम है एम्पलीफाई करना। राहु जिस भी भाव में होगा उस भाव के और जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह के गुणों को और ज़्यादा बढ़ा देगा, कई गुना वो बढ़ा देगा। तो राहु है वो एक फेक इमेज को दर्शाता है। राहु किसी भी तरीके से नियमों को तोड़ना या फिर किसी भी चीज़ को प्राप्त करना हो तो कोई भी तरीका अपनाकर, भले ही वो सही तरीका हो या गलत तरीका हो, अपनाकर उसको प्राप्त किया जाए। किसी भी तरीके से लाइफ में बड़े अचीवमेंट के लिए राहु सोचता है, तो राहु आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाता है। ऐसे में हम कह सकते हैं राहु बहुत बड़ा एक इल्यूजन पैदा करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु और सूर्य की अगर युति बनेगी या फिर राहु और सूर्य दोनों ही एक भाव में आएंगे तो आपको ये हमेशा गिराने का नहीं सोचते। यानी इनका जो प्रभाव होता है वो बुरा भी हो सकता है और बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि इनका जो डिस्पोजिटर है, जिस भाव में ये युति कर रहे हैं, इनका डिस्पोजिटर का संबंध अगर किसी अच्छे भाव से नहीं है, केंद्र भाव से नहीं है, या लाभ स्थान से नहीं है, 10th हाउस से नहीं है, या 2nd हाउस से नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर राहु और सूर्य की युति आपके केंद्र भाव में बनती है और जो इनका डिस्पोजिटर होता है उसका संबंध अगर आपके 10th हाउस से हो जाता है, आपके लाभ स्थान यानी 11th हाउस से हो जाता है, या फिर 2nd हाउस से हो जाता है, या फिर लगन से भी हो जाता है, तो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ये लेकर जा सकते हैं। लेकिन इसमें यह डिपेंड करेगा कि राहु और सूर्य की जो राशि है, जिस राशि में ये दोनों बैठे हुए हैं, और इनके ऊपर कौन से अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कौन से शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो काफ़ी कुछ उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी ये देखा गया है अगर इनका नेगेटिव इफेक्ट देखा जाए राहु और सूर्य की युति का, तो फादर के साथ संबंध खराब होना, इसके अलावा आपके आत्मविश्वास में कई बार बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाना, कई बार बहुत ज़्यादा कमी आ जाना, आप हर बार भ्रम के शिकार हो जाएं, आपका टारगेट ऐसा हो जो बिल्कुल भी व्यवहारिक ना हो, यानी ऐसा आप सोचने लगें जो जीवन में आप प्राप्त कर ही नहीं सकते, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ऐसा जो स्थिति है वो राहु और सूर्य की युति से ही हमारे जीवन में क्रिएट होती है। इसके अलावा आप सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन आप अचीव कुछ नहीं कर पाते, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप पूरी तरह से एक्टिव होकर यानी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं बढ़ पाते। तो वो जो ईगो की जो प्रॉब्लम आपको आती है वो इसी युति की वजह से आती है, और आपके जो बनते बनते जो काम बिगड़ते हैं अगर आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति है तो इसके कारण भी ऐसा हो सकता है। अब राहु और सूर्य की युति बन जाती है तो ये फादर के साथ संबंधों को बिगाड़ती है, फादर की हेल्थ को प्रॉब्लम करती है अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो। अगर इसके बुरे परिणामों को देखा जाए तो बार बार आपका ईगो हर्ट होगा, आप जो भी पद के लिए सोच रहे जीवन में, जो पोस्ट आप पाना चाहते हैं, जो आपका अचीवमेंट जो आप लेना चाहते हैं लाइफ में, वो आपको पूरी तरह से उसमें आपको संतुष्टि नहीं देगा अगर ये युति बन रही हो। तो बहुत सारे इसके नेगेटिव प्रभाव हैं अगर हम देखें तो। राहु जब भी सूर्य के साथ युति करते हैं ऐसे में आपका सरकार से कई बार संबंध खराब हो जाते हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे लोगों से जो कोई हाई अथॉरिटी में हैं, जो कोई हाई पोस्ट पे हैं, या आपके बॉस भी आप समझ सकते हैं, उनसे आपके बार बार संबंध खराब हो जाते हैं।
क्योंकि यहाँ पर जो ईगो है उसकी जो प्रॉब्लम है, ईगो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आप में। राहु जब भी सूर्य के साथ आते हैं तो आप में ईगो को बढ़ा देते हैं, वो आपको हालांकि ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं लाइफ में, लेकिन आपके जो काम हैं वो सही तरीके से नहीं होते। यानी मेरा कहने का मतलब है कि आप जिस प्रकार से आपको वो टारगेट अचीव करना चाहिए, जिस प्रकार से आपको आगे बढ़ना चाहिए, उस प्रकार से राहु सूर्य के साथ मिलकर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। वो काफ़ी शॉर्टकट तरीकों के बारे में आपके दिमाग में विचार देता है, वो बहुत ज़्यादा भ्रम उत्पन्न करता है। इस वजह से आप जिस गति से चाहते हैं अपने लाइफ में कोई भी टारगेट पाना या आप कुछ भी पाना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप बार बार परेशान हो जाते हैं और आप अपने पथ से भ्रष्ट हो जाते हैं, यानी आप अपने मार्ग से हट जाते हैं और आपका जो ईगो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो इस वजह से आप अपनी मन पर ले लेते हैं बात को, अपने दिल पर ले लेते हैं, और जो टारगेट आप सोचते हैं वो कभी भी आपको अचीव नहीं हो पाता, क्योंकि आप उस टारगेट के लिए सही तरीके से काम कर ही नहीं रहे होते हैं। तो ऐसे में देखिए, राहु और सूर्य की युति अगर किसी भी भाव में आपके कुंडली में बनती है तो ऐसे में आपको समस्या आ सकती है, अगर अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर केंद्र भाव में ये युति बन रही है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस या फिर सेवन्थ हाउस या फिर आपके टेंथ हाउस में, तो ये आपके लिए कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकती है। लेकिन अगर सेवन्थ हाउस में ये बन जाए तो सेवन्थ हाउस में भी ये मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस देती है। तो हर जो भाव है उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है राहु और सूर्य की युति होने का। पर अगर बात की जाए केंद्र भाव की, तो आपके पर्सनली अगर फायदे के लिए देखा जाए तो केंद्र भाव में ये युति अच्छी होती है। इसके अलावा आपको इनका जो डिस्पोजिटर है, यानी जिस राशि में ये युति बन रही है उसके स्वामी को जरूर देखना चाहिए, अगर उसका संबंध या वो जो ग्रह है वो आपका लाभ स्थान में बैठा हो, टेंथ हाउस में बैठा हो, काफ़ी अच्छी स्थिति में बैठा हो कुंडली में, तो फिर भी उसके लाभ आपको जरूर मिल जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये युति जब आपके बन रही हो कुंडली में तो थोड़ा सावधानी से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, और अपने जो टारगेट हैं हमेशा आपको छोटे रखने चाहिए लाइफ में, हमेशा आपको सही तरीके से आगे बढ़ना। अब बात करते हैं जिनके चार्ट में 11th हाउस में सूर्य और राहु की युति बन रही होती है उनके लिए क्या प्रभाव होते हैं। तो देखिए, अगर आपके 11th हाउस में सूर्य और राहु युति कर रहे हैं और सूर्य और राहु दोनों ही अच्छे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप लाइफ में बहुत वेल्थ क्रिएट करेंगे। वो वेल्थ आप अपने खुद के प्रयासों से भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा अनअर्न्ड जो मनी होता है, जो बिना कमाया या बिना मेहनत के कमाया गया जो पैसा है वो भी मिल सकता है। तो ऐसे जो जातक होते हैं वो जीवन में हमेशा बहुत धनवान होते हैं, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं होती। अगर ये कुछ भी बिजनेस करेंगे उस बिजनेस में अच्छा कमाएंगे, अगर ये कहीं भी पैसा लगाएंगे, किसी भी काम में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे जातक कोई बहुत बड़ी कोई लॉटरी जीत सकते हैं, ये सट्टे में पैसा कमा सकते हैं, ये शेयर बाज़ार से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनको संतान को लेकर हालांकि कई बार इश्यू रह सकते हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो ओवरऑल जो लाइफ होती है उसमें ये काफ़ी पैसा अर्जित करते हैं। इनके मन में वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अलग ही प्रकार का जो भूत है इनके ऊपर सवार रहता है। तो सूर्य और राहु की युति जिनके भी 11th हाउस में हो, वो जातक हमेशा जीवन में धन कमाने, लाभ कमाने की तरफ देखते हैं। वो अपना कोई भी बिजनेस चलाने की तरफ या सीधा सीधा पैसा कैसे आ जाए, बिना मेहनत के पैसा कैसे कमाया जाए, दिन रात जो लोग मेहनत करते हैं उनकी तुलना में उनकी जो सोच होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। ये जातक हमेशा ऐसे कार्यों के बारे में सोचते हैं जहाँ से बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए पैसा आ जाए। तो ऐसे जातक बहुत धनवान कहे जाएंगे। अपने सोशल सर्कल में ये बहुत ज़्यादा फेमस होंगे, इनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा होगा और इनको अपने मान सम्मान की चाहत भी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा जातक अगर कोई भी मार्केटिंग का काम करेगा, कोई भी ऐसा काम करेगा जिसमें लोगों के साथ कुछ ना कुछ संबंध हो, इनके कोई ना कोई क्लाइंट बने, तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा ये ग्रुप्स को हैंडल करने में बहुत अच्छे होते हैं, ये लीडरशिप करने में बहुत अच्छे होते हैं। पैसा कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित किया जा सकता है, कोई भी काम करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे अर्जित किया जा सकता है, इनकी इनको बहुत ज़्यादा समझ होती है। तो राहु और सूर्य जब भी 11th में युति कर रहे होते हैं जातक को बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, धन देते हैं, सब कुछ देते हैं, उसको बहुत अच्छी पहचान देते हैं, क्योंकि दोनों ही वो यहाँ पर 11th हाउस में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं,
का प्रभाव काफ़ी अच्छा हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में अगर यहाँ का जो डिस्पोजिटर है वो अगर सेकेंड हाउस में भी बैठा हो तो जातक पूरी तरह से धनवान बनता है जीवन में, भले ही उसकी एजुकेशन ज़्यादा ना हो, उसको ज्ञान जरूर होता है, उसको ये पता होता है पैसा कैसे कमाया जा सकता है और कैसे दिन रात मेहनत करके या दिन रात कोई ना कोई प्लानिंग करके कुछ भी काम करके धनवान कैसे बन सकते हैं। तो कुछ ऐसा प्रभाव रहता है। मोस्टली ये देखा गया है कि 11th हाउस में सूर्य और राहु की युति होने पर उनका जो प्रभाव होता है वो अच्छा ही देखने को मिलता है मोस्टली सभी कुंडलियों।